हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुँ स्मिताश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल संस्कृत वाणी को। फ्रेंड्स आम मैंने वेस्टेटर संस्कृत सिलेबस अनुसार संपूर्ण सिलेबस को डिस्कशन कर सारीछे। तेणु आज आम संपूर्ण सिलेबस को नहीं टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आम आज दुईट प्राक्टिस सेट करवा अर्थात 120 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तेणु आपण मैंने भिडियोटी को स्किप नक शेष पर्यटन देखु एवं सबुतक क्वेश्चन आंसर देवा चेष्टा करूँ। तेब चलतु आउ डेरी नक आरंभ करवा प्रथम सेट्र प्रश्न देखु। प्रथम सेट प्रथम प्रश्न हो संस्कृत साहित्य भौतिक विज्ञानस्य प्रवर्तक ऋषिवर ड्याश आसित। ऑप्शन हेउची कणादह पाणिनिहि चरक तथा सुश्रुत। यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु किए हेउचंती संस्कृत साहित्यर भौतिक विज्ञानर प्रवर्तक। यार उत्तर हेब ऑप्शन ए ऋषिवर कणादह। संस्कृत साहित्यर भौतिक विज्ञानर प्रवर्तक हेउचंती ऋषिवर कणादह। यार उत्तर कौन है ना ऑप्शन ए। तबे चलंतु परवर्ती प्रश्न देखिबा संस्कृत भाषाया शिक्षण शिक्षार्थीना ड्यास विकासस्य आधार भवितुम शक्नोति। यार उत्तर हेब ऑप्शन सी बौद्धिक। संस्कृत भाषाया शिक्षण शिक्षार्थीना बौद्धिक विकासस्य आधार भवितुम शक्नोति। परवर्ती प्रश्न देखिबा ड्यास सर्वासं भाषाण जननी किए सबु भाषा मानकर जननी। यही ऑप्शन मानक मध्यरु उत्तर कहतु। यार उत्तर हेब ऑप्शन डी संस्कृतम। संस्कृत हेउची सबु भाषा मानकर जननी। सही परी परवर्ती प्रश्न देखु विद्यार्थीनां मानसिक चिंताधाराया अभिव्यक्त्या सह शास्त्रानुरागीकरण ही संस्कृत शिक्षण से ड्यास लक्ष्यम। यार उत्तर हेब ऑप्शन बी भावात्मक। विद्यार्थीनां मानसिक चिंताधाराया अभिव्यक्त्या सह शास्त्रानुरागीकरण ही संस्कृत शिक्षण से भावात्मक लक्ष्यम। परवर्ती प्रश्न देखु ड्याश छात्र परिस्थिति परिवर्तने सति स्वव्यवहार स्थिर भावस्य प्रदर्शन करोति। केउ छात्र माने परिस्थिति रे परिवर्तन हेले मध्य स्वव्यवहार रे स्थिर भावर प्रदर्शन करिथांति। यार उत्तर हेब ऑप्शन सी अनुमूलनेन। अनुमूलन द्वारा छात्र माने परिस्थिति रे परिवर्तन हेले मध्य स्वव्यवहार रे स्थिर भावना प्रदर्शन करिथांति। परवर्ती प्रश्न देखु सर्जनात्मक शक्ति च संवर्धन ही माध्यमिक स्तरेषु माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण से अन्यतम उद्देश्य। यार उत्तर हेब ऑप्शन सी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति सर्जनात्मक शक्ति च संवर्धन ही माध्यमिक स्तरेषु माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षण से अन्यतम उद्देश्य। परवर्ती प्रश्न देखु पाणिनीय व्याकरण अनुसारेण संस्कृत भाषाया वर्ण संख्या ड्याश। पाणिनी व्याकरण अनुसार संस्कृत भाषार वर्ण संख्या केतोटी। यार उत्तर हेब ऑप्शन सी 42। परवर्ती प्रश्न देखु मुद्रा लिपिभि लिखन कदा प्रचलित। मुद्रा लिपि लिखन कार्य केबेठारु प्रचलित होइतिला। यार उत्तर हेब प्राचीन काले ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न देखु पठन से मध्यम ड्यास उन्नति ही भवति। पठन मध्यम कहार उन्नति होता है। यार उत्तर हेब ऑप्शन बी भाषा विज्ञान से। आग को देखु शिक्षक से पठन कार्य अनेका अशुदय कथम दृश्यते। शिक्षक पठन कार्य अनेक अशुदय किपर देखा जाए। यार उत्तर हेब ऑप्शन डी एतेषां सर्वेषां हेतुः। परिपार्श्विक अवस्था या बाह्य भाषाया प्रभावेन तथा प्रशिक्षण से अभावेन यही सब कारण होती संस्कृत शिक्षक पठन कार्य अनेक असुविधा आसी थाए। परवर्ती प्रश्न देखु
साधारणतः विद्यालये व्याकरणशास्त्रस्य पठनसमये याः प्रणाल्यः व्यवहारं क्रियते ताहा ड्यास्। साधारण रूपरे विद्यालयरे व्याकरणशास्त्रर पठन समयरे केउ प्रणालीर व्यवहार करा जायथे एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक प्रणाली, आरोह प्रणाली, अवरोह प्रणाली तथा भाषा संसर्ग प्रणाली। परवर्ती प्रश्न देखु भाषाया प्रयोग दृष्ट्या व्याकरण कतिविधम भाषार प्रयोग दृष्टि व्याकरण केते प्रकार यार उत्तर हेब ऑप्शन ए द्विविधम। परवर्ती प्रश्न देखु एतेषु कः प्रत्यक्ष पद्धत्या न गुण यही ऑप्शन मानक मध्यरु केउटी प्रत्यक्ष पद्धतिर गोटे गुण नुहे यार उत्तर हेब ऑप्शन डी शिक्षक अनया पद्धत्या पठनाय समर्थ भवति यही ऑप्शन डी हेउछि यार गोटे गुण नुहे अर्थात प्रत्यक्ष पद्धतिर गोटे गुण नुहे। परवर्ती प्रश्न देखु परिमार्जित शिक्षा दान क्षेत्र कति सोपानानी गृहीतानी परिमार्जित शिक्षा दान क्षेत्र में केतोटी सोपान को ग्रहण करा जाए यार उत्तर हेब ऑप्शन ए त्रिनी परिमार्जित शिक्षा दान क्षेत्र में तीनोटी सोपान ग्रहण करा जाए थे। परवर्ती प्रश्न देखु पद्य गद्य नाटकादिषु स्थित कठिन शब्दानां रस उद्दीपक भावार्थ सृष्ट ड्यास पद्धति ही अनुसूयते ऑप्शन देख उत्तर कहतु यार उत्तर कौन है गद्य पद्य एवं नाटक स्थित कठिन शब्द मानकर रस उद्दीपक भावार्थ मानकर सृष्टि पई केउ पद्धति को आश्रय कर यार उत्तर हेब ऑप्शन बी परोक्ष पद्धति। से हीपरी आगु को देखिबा देखंतु कया पद्धत्या पठनेन श्रेणी प्रकोष्ठस्य शांति ही श्रृंखलाया भंगं भवति केउं पद्धति रे पठन कार्य संपादन करिबा द्वारा श्रेणी प्रकोष्ठ रे शांति श्रृंखलार भंग होइथे यार उत्तर हेब ऑप्शन सी परोक्ष पद्धति। से हीपरी देखंतु कया पद्धत्या उदाहरणानि आधारीकृत व्याकरण अध्ययन सुलभं भवति केउ पद्धतिर उदाहरण को आधार करी व्याकरण सुलभ रूप से पठन कार्य अर्थात अध्ययन कार्य संपादन होइथे एहार उत्तर हेब आरोह पद्धति ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न देखंतु आरोह पद्धति ड्यास पद्धति ही इति उच्यते आरोह पद्धति की आउ केउं पद्धति नाम रे जना जाए एहार उत्तर हेब ऑप्शन डी उद्भावन आरोह पद्धति को उद्भावन पद्धति बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न देखु कया पद्धत्या पठनेन छात्रा बहुन क्लेशन अनुभवंती केउं पद्धति माध्यम रे पठन करिबा द्वारा छात्र माने बहुत गुड़िए क्लेश अनुभव करथांती एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी अवरोह अवरोह पद्धति रे पठन कार्य करिबा द्वारा छात्र माने बहुत क्लेश अनुभव करथांती। परवर्ती प्रश्न देखंतु लक्षणम अनुलक्ष्य प्रदर्शनम नाम ड्यास पद्धति प्रथमे लक्षण परे लक्ष्य प्रदर्शन को केउ पद्धति कह जाए एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी अवरोह पद्धति। सेहिपरी आग को देखंतु परवर्ती प्रश्न छात्र छात्रीसु संगीत प्रति अभिरुचि उत्पादनार्थम किम पठनम छात्र छात्रींकर संगीत प्रति अभिरुचि उत्पादन करिबा पई कहार पठन करिबा उचित एहार उत्तर हेब ऑप्शन ए पद्य। परवर्ती प्रश्न देखंतु छात्राणां मानसिक क्रिया सक्रियं करयित्वा नवीन पाठं प्रति गमनम ड्यास इति कथ्यते छात्र छात्रींकर मानसिक क्रिया को सक्रिय कराई नवीन पाठ प्रति गमन को कौन कह जाए यार उत्तर हेब ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरणम। से हीपरी आग को देखु निश्चित लक्ष्य से प्राप्त या कार्य प्रणाली सुनिश्चित स्यात् सा ड्यास निश्चित लक्ष्यर प्राप्ति पई जेउ कार्य प्रणाली सुनिश्चित करा जाए ताहा को कौन कह जाए
यार उत्तर ऑप्शन बी पठन योजना। आग को देखु कठिन शब्दनां सहज उच्चारणेन उच्चारण केन संपादित कठिन शब्द मानकर सहजरे उच्चारण कहा द्वारा संपादन करा जाय थे एहार उत्तर हेबो ऑप्शन डी अभ्यासेन अभ्यास द्वारा कठिन शब्द मानकर सहजरे उच्चारण संपादन करा जाय थे। परवर्ती प्रश्न देखंतु संध्यादि व्याकरणगत उत्तराणी कस्मिन सोपाने कृष्ण फलके शिक्षकेण लिख्याते संध्यादि व्याकरणगत उत्तर गुड़ी केउ सोपान रे शिक्षक कृष्ण फलक रे लिखि थे एहार उत्तर हेबो ऑप्शन ए द्वितीय सोपाने। परवर्ती प्रश्न देखंतु गद्य कविनां ड्यास बदंती गद्य कविनां निकसं बदंती ऑप्शन सी हेला एहार उत्तर कस्य पठनेन उच्चारण ज्ञाने दक्षता उत्पादनं भवति कहार पठन द्वारा उच्चारण ज्ञान रे दक्षता उत्पन्न होइथे एहार उत्तर हेबो ऑप्शन ए पद्यस्य। परवर्ती प्रश्न देखंतु ज्ञान पाठे के अंतर्भुक्त ज्ञान पाठरे केउ माने अंतर्भुक्त एहार उत्तर हेबो ऑप्शन ए गद्य पाठ व्याकरणम रचना अनुवाद। परवर्ती प्रश्न देखंतु पद्य पाठ्य योजनायां शिक्षक सस्वर पठन अनंतरम किम करणीयम पद्य पाठ योजना रे शिक्षक सस्वर पठन कर सारे पर कौन करें उत्तर हेब ऑप्शन सी भाव प्रकटनम। परवर्ती प्रश्न देखिबा देखंतु किं तावत् सस्मदं गद्य शिक्षणस्य न उद्देश्यम यही चारोटी मध्यरु केउटी गोटिए गद्य शिक्षणर उद्देश्य नुहे एहार उत्तर हेउची ऑप्शन डी पठनात्मक उद्देश्यम एहा को छाड़ देले ज्ञानात्मक उद्देश्यम अर्थ ग्रहणात्मक उद्देश्यम अभिरुच्यात्मक उद्देश्यम यही तीनोटी हेउचंती गद्य शिक्षणर गोटिए गोटिए उद्देश्य। परवर्ती प्रश्न देखंतु तोया भवत इति पदस्य को अर्थ तोया भवत यही पदर अर्थ कौन यार उत्तर हेब ऑप्शन बी जला भाबावत। परवर्ती प्रश्न देखंतु तस्माद अद्य यार संधि विच्छेद कले कौन हेब उत्तर यार उत्तर हेब ऑप्शन डी तस्माद प्लस अद्य। परवर्ती प्रश्न देखिए देखंतु मंगलम इति पदस्य पर्यायवाची पदम चिन्हित मंगलर पर्यायवाची शब्द कौन यार उत्तर हेब ऑप्शन बी खेमंग। परवर्ती प्रश्न देखंतु संख्य मिच्छार्नगत संख्य मिच्छार्नगत यार संधि विच्छेद कले हेब उत्तर होची ऑप्शन सी संख्यम इच्छन आगत। परवर्ती प्रश्न देखंतु पुनरागतम यार संधि विच्छेद कले हेब ऑप्शन ए पुनः आगत। परवर्ती प्रश्न देखंतु होत्री होत्री होउची यजमान ऑप्शन डी होउची यार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखंतु मुहुरनुपतति यार संधि विच्छेद कले उत्तर हेब ऑप्शन बी मुहु अनुपतति। परवर्ती प्रश्न देखिबा रश्मिषु एहा हेउची ऑप्शन सी भावे सप्तमी। परवर्ती प्रश्न देखंतु कश्चित यार संधि विच्छेद हेउची ऑप्शन डी किम प्लस चित। आगो को देखंतु परवर्ती प्रश्न त्रंसिनी यार अर्थ हेब मुकुलितायाहा भवितायां मुकुलितायां भवितायां श्रंसिनी। परवर्ती प्रश्न देखंतु कह न अंतस्थ वर्ण यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु केउटी गोटिए अंतस्थ वर्ण नुहे यार उत्तर हेब ऑप्शन डी ऑप्शन डी होची उष्म वर्ण यह को छाड़ देले या र ल होउचंती अंतस्थ वर्ण। परवर्ती प्रश्न देखंतु
भानु शब्द चतुर्थी एक वचन भानु शब्दर चतुर्थी एक वचन रूप कौन हेबो यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी भानवे। परवर्ती प्रश्न देखु भानु शब्द सप्तमी एक वचन भानु शब्दर सप्तमी एक वचन रूप हेबो भानु ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न देखु राजन पंचमी एक वचन राजन शब्दर पंचमी एक वचन रूप हेबो राज्ञह ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न देखु पथिन षष्ठी बहुवचन पथिन शब्दर षष्ठी बहुवचन हेबो पंथानम ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न देखु मती प्रथमा बहुवचन मती शब्दर प्रथमा बहुवचन रूप हेबो मतयः ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न देखु मातृ चतुर्थी एक वचन मातृर चतुर्थी एक वचन हेबो मात्रे ऑप्शन बी हेबो यार उत्तर। मधु द्वितीय बहुवचन मधु शब्दर द्वितीय बहुवचन हेउची ऑप्शन सी मधुनी। परवर्ती प्रश्न देखु सर्व पुल्लिंगे षष्ठी बहुवचन रूप कौन हेबो यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी सर्वेशम। तेब आग को देखु परवर्ती प्रश्न यद यद शब्दर स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचन रूप कौन हेबो यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी यासम। परवर्ती प्रश्न देखु गवेषक टी गणपत शास्त्री महोदयस्य मतानुसारेण महाकवि भासः कति नाटकानां रचयिता गवेषक टी गणपति शास्त्री महोदयक मत अनुसार महाकवि भासंकर केतोटी नाटक रचना करिसेंति एहार उत्तर हेबो ऑप्शन डी त्रयोदश। परवर्ती प्रश्न देखु अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः इति कह कांग अकथयत यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न देखु भवभूतिना कति नाटकानी रचितानी यार उत्तर हेबो ऑप्शन डी त्रिणी भवभूति द्वारा तीनोटी नाटक रचना करा जायतला दश कुमार चरितम ड्यास काव्यम दश कुमार चरित हेउछि एक गद्य काव्य यार उत्तर हेबो ऑप्शन ए। चंडी शतकम केन विरचितम चंडी शतक लिखिथिले बाणभट्ट यार उत्तर हेला ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न देखु वाक्यपदीयम केन विरचितम वाक्यपदीय लिखिथिले भर्तृहरि ऑप्शन बी हेउछि यार उत्तर। गीत गोविंदम एकम ड्यास काव्यम गीत गोविंद हेउछि एक गीतिकाव्यम। परवर्ती प्रश्न देखु त्रिविक्रम भट्ट ड्यास रचयिता आसीत त्रिविक्रम भट्ट केउ काव्यर रचना करथिले एहार उत्तर हेबो ऑप्शन डी चंपू काव्यस्य। श्री हर्ष कश्य पुत्र श्री हर्ष हेउछन्ति श्री हिरंकर पुत्र ऑप्शन बी हेबो यार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखु महाकवि कालिदासस्य कस्मिन् नाटके महाकवि भासस्य विषये उल्लेखः अस्ति महाकवि कालिदासंकर केउं नाटकरे महाकवि भासंक विषयरे उल्लेख अछि एहार उत्तर हेबो ऑप्शन सी मालविका अग्निमित्रे। एहिपरि भावरे आमे गोटिए प्राक्टिस सेट डिस्कशन कले तेबे चलंतु आगो करिबा सेकंड प्राक्टिस सेट। देखु सेकेंड प्रैक्टिस सेट रो प्रथम प्रश्न उन्नीसश छप्पन संवत्सरे केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद ड्यास भाषा सूत्रम प्रणीतम उन्नीसश छप्पन मसीह केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद केतोटी भाषा सूत्र प्रणीत करथिला एहार उत्तर हेबो ऑप्शन बी त्रिभाषा सूत्र। आगो को देखंदु ड्यास संरक्षणाय संस्कृत भाषा अनिवार्य कहार संरक्षण पाई संस्कृत भाषा अनिवार्य यार उत्तर हेबो ऑप्शन सी।
संस्कृत संस्कृतिर संस्कृतिर संरक्षण पाई संस्कृत भाषा हेउछि अनिवार्य। परवर्ती प्रश्न देखंतु डैश सर्वाधिक प्रभावशालिनी भवती किए सबुठारु अधिक प्रभावशाली होइथाए एहार उत्तर हेबो मातृभाषा। परवर्ती प्रश्न देखंतु ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी डैश विरचितम एही पुस्तकर रचयिता किए एहार उत्तर हेबो ऑप्शन ए प्रोफेसर मैकडोनल महोदयन। आगो को देखंतु परवर्ती प्रश्न भाषा शिक्षणे डैश च रुचि उत्पादनम एव माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम एहार उत्तर हेबो ऑप्शन सी साहित्य शिक्षणे भाषा शिक्षणे साहित्य शिक्षणे च रुचि उत्पादनम एव माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम। आगो को देखंतु परवर्ती प्रश्न ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे ज्ञानं बोधः प्रयोगः विश्लेषणं संश्लेषणं डैश च अंतर्गतम एहार उत्तर हेबो ऑप्शन बी मूल्यांकनम। ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण रे ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण एवं मूल्यांकन एही माने होचंती अंतर्गत। परवर्ती प्रश्न देखंतु बाणी रूपस्य कति स्वरूप बाणी स्वीक्रियन्ते बाणी रूपर केतोटी स्वरूप को स्वीकार करा जाय छी एहार उत्तर हेबो ऑप्शन सी चतुरी। बाणी रूपर चारोटी स्वरूप को स्वीकार करा जाय छी सही चारोटी होउछन्ती परावाणी पश्यति बाणी बैखारी बाणी एवं मध्यमा बाणी। परवर्ती प्रश्न देखंतु ग्रहणात्मक शिक्षण द्वाभ्यां मानसिक व्यापाराभ्यां सह कार्यम करोति ते श्रवण शिक्षणम डैश च एहार उत्तर हेब ऑप्शन सी पठन शिक्षणम। ग्रहणात्मक शिक्षण दुईटी मानसिक व्यापार सहित कार्य करिथाए गोटिए हेउची श्रवण शिक्षण एवं अन्यटी हेउची पठन शिक्षण। परवर्ती प्रश्न देखंतु पठन क्रियायां अस्पष्टे भविते पुनः पठन प्रणाली डैश कथ्यते एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी सामान्य पठनम। पठन क्रियार अस्पष्ट भले पुनः प्रणाली को कहा जाए सामान्य पठनम। आग को देखंतु परवर्ती प्रश्न प्रकरणगत विषय आधारीकृत प्रसंग क्रमेण वाक्य प्रयोग करण ही डैश भवती। प्रकरणगत विषय को आधार करी प्रसंग क्रम वाक्य प्रयोग करने को कहा जाए सांदर्भिक संरचना यार उत्तर हेब ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न देखंतु यस्यां प्रणाल्यां शिक्षक व्याकरण पुस्तकम आधारीकृत छात्रान पाठयन्ति सा डैश जेऊ प्रणाली माध्यम रे शिक्षक व्याकरण पुस्तक को आधार करी छात्र मानकु पठन कार्य कराई थाए सही प्रणाली हेउची पाठ्य पुस्तक प्रणाली ऑप्शन बी हेबो एहार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखंतु अनुवाद कार्य अनवरत व्याकरणस्य अभ्यास कृते भाषा साहित्ये डैश दृश्यते एहार उत्तर हेबो ऑप्शन डी सौष्ठवं। अनुवाद कार्य अनवरत व्याकरणस्य अभ्यास कृते भाषा साहित्ये सौष्ठवं दृश्यते। परवर्ती प्रश्न देखंतु छात्राणां लब्ध ज्ञान परिमापनाय भाषा व्याकरणादीन आधारीकृत सर्वनिम्न प्रश्नकरणम शिक्षादानस्य डैश सोपानम इति कथ्यते एहार उत्तर हेब प्रयोग सोपानम ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न देखंतु प्रभावशाली छात्र छात्रीणां कृते का पद्धति ही सहसा ग्रहणयोग्य प्रभावशाली छात्र छात्री को पाई केऊ पद्धति सहसा ग्रहणयोग्य होइथाय एहार उत्तर हेबो ऑप्शन सी प्रत्यक्ष पद्धति।
परवर्ती प्रश्न देखु संस्कृत भाषाया पद्य पद्य भाग पठने कस्या पद्धत्या बहुल भावेन अनुसूयते। संस्कृत भाषार पद्य भागर पठन समय के पद्धति को बहुल भाव अनुसरण करा जाए यार उत्तर है ऑप्शन बी परोक्ष पद्धति। परवर्ती प्रश्न देखु यया भाषा प्रशिक्षण पद्धत्या शिक्षक अनायासेन श्रेणी गृहे पठन कार्यस्य संपादन करोति सा ड्यास पद्धति। यार उत्तर है ऑप्शन ए डी परोक्ष पद्धति। जो पद्धति रे भाषा प्रशिक्षण पद्धति रे जो भाषा प्रशिक्षण पद्धति रे शिक्षक अनायास रे श्रेणी गृह रे पठन कार्य संपादन करिथाए ताहाकु परोक्ष पद्धति कहुजे। परवर्ती प्रश्न देखु पठन क्रियायां प्राक अनेकानी उदाहरणानी प्रदाय अनंतरं तेषां संज्ञा निरूपणं ड्यास पद्धति ही इति उच्यते। पठन क्रिया रे प्रथमे अनेक गुड़िए उदाहरण प्रदर्शन करी परे संज्ञा निरूपण करने को क्यों पद्धति कहुजाए। यार उत्तर है ऑप्शन डी आरोह पद्धति। परवर्ती प्रश्न देखु एतेषु किं आरोह पद्धत्या सोपानम एथिमध्यरु केउंटी आरोह पद्धतिर सोपान। यार उत्तर है ऑप्शन डी निरीक्षणम। निरीक्षण होउछि आरोह पद्धतिर गोटे सोपान। परवर्ती प्रश्न देखु संस्कृत भाषाया व्याकरण वाक्यांशस्य व्याख्याकरणाय निम्नोक्त कानि सोपानानि स्वीक्रियन्ते। संस्कृत भाषार व्याकरण वाक्यांशर व्याख्या करिबा पई निम्नोक्त केउ सोपानकु स्वीकार करा जाय थाए। एहार उत्तर हेबो ऑप्शन ए पदच्छेदम पदार्थोक्ति विग्रह समाधानम। परवर्ती प्रश्न देखु कया पद्धत्या छात्र व्याकरणम अध्येतुं अभिरुचि न प्रदर्शयंती। केउं पद्धति रे छात्र माने व्याकरण को अध्ययन करिबा पई अभिरुचि प्रदर्शन करिनथांती। यार उत्तर हेबो ऑप्शन ए अवरोह पद्धति रे। परवर्ती प्रश्न देखु पद्य प्रशिक्षण निम्नलिखितेषु का पद्धति ही न प्रयुक्ता। पद्य प्रशिक्षण रे निम्नलिखित मध्यरु केउं पद्धति प्रयुक्त होइनथाए। यार उत्तर हेबो प्रश्नोत्तर पद्धति। प्रश्नोत्तर पद्धति गद्य प्रशिक्षण रे प्रयोग होइथाए तेणु ता पद्य प्रशिक्षण रे प्रयोग होइनथाए। परवर्ती प्रश्न देखु सस्वर पठन प्रक्रिया गद्य पठन योजनाया कस्मिन सोपाने क्रियते। यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी द्वितीय सोपाने। परवर्ती प्रश्न देखु सौंदर्य पाठे के अंतर्भुक्त। सौंदर्य पाठरे किए किए अंतर्भुक्त। यार उत्तर हेबो ऑप्शन बी पद्य पाठ वर्णनम नाटकम। परवर्ती प्रश्न देखु वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति केन कथितम। वाक्य रसात्मकम काव्यम यहाँ किए कही। यार उत्तर हेबो ऑप्शन सी ममटेन ममट यह। परवर्ती प्रश्न देखु भाषाणा शिक्षणाय चतुर्थ कौशलना स्वीक्रियते तानी ड्यास। भाषार प्रशिक्षण पाई चारोटी कौशल स्वीकार करा जाय थाए सही चारोटी होउछन्ती श्रवण भाषण पठन एवं लेखन। ऑप्शन डी हेबो यार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखु किंग न पद्य शिक्षण से उद्देश्य। यही चारोटी ऑप्शन मध्यरु पद्य शिक्षण गोटे उद्देश्य नुहे केउटी। यार उत्तर हेबो ऑप्शन डी रचना शक्ति हे संवर्धनम। परवर्ती प्रश्न देखु कौशल पाठे के अंतर्भुक्त। कौशल पाठरे किए किए अंतर्भुक्त। यार उत्तर हेबो ऑप्शन सी उच्चारणम भाषणम वाचनम। परवर्ती प्रश्न देखु पाठ्य योजनायां कृष्ण फलके कं न लेखनियम। पाठ्य योजना रे कृष्ण फलक कौन लेखा जाए नए। यार उत्तर हेबो ऑप्शन डी जिलाया नाम। परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न हो
शिक्षण उद्देश्यानि ज्ञान्तुं निश्चित समये शिक्षकः याः क्रियाः नियोजयति तासां क्रियाणां वर्णरूपमेव पाठ्ययोजना इति केन कथ्यते। एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी बोसिंग महोदयेन। शिक्षण उद्देश्यानि ज्ञान्तुं निश्चित समये शिक्षकः याः क्रियाः नियोजयति तासां क्रियाणां वर्णरूपमेव पाठ्ययोजना इति बोसिंग महोदयेन कथ्यते। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। माध्यमिक स्तरे पद्य पठनेन किं उद्देश्यं न साधनीयं। माध्यमिक स्तरे गद्य पठनरे केउं उद्देश्यटि साधन करा जाय नथाय। एहार उत्तर हेब ऑप्शन डी शब्द भंडार वृद्धिकरणम। एहाकु छाड़ीदेले ऑप्शन ए बी सी एही तीनोटी उद्देश्य साधन करा जाय थाय। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। नागह डैश नाग हेउछि हस्तीर नाम। एहार उत्तर हेब ऑप्शन डी सही परी। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। आननम आनन हेउछि बदनम बदन को आनन बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। यास्य त्यद्य एहार संधि विच्छेद हेब यास्यति प्लस अद्य। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। संधानम एहार संधि विच्छेद हेब सम धा ल्यूट ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। अपेक्षित एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी उप इक प्लस त। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। पशु इति पदस्य समानार्थं पदम। पशु एही पदर समानार्थक पद हेउछि ऑप्शन डी स्वापदः। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। उल्लुकेन उल्लुकेन हेउछि अर्धदग्ध काष्टेन। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। सरसी सरसी हेउछि पुष्करिण्यम। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। हरिः इति पदस्य पर्यायवाची पदं चिनुत। हरि एही पदर पर्यायवाची पद हेउछि सिंह। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। वयम एहार उत्तर हेब कर्तरी प्रथमा। वयम हेउछि कर्तरी प्रथमा। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। यस्मात् पठसि डैश सम्मानं कुरु। एहार उत्तर हेब तस्य। यस्मात् पठसि तस्य सम्मानं कुरु ऑप्शन डी हेब एहार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। स्ता लोटि प्रथम मध्यम पुरुष एक वचने। स्ता धातुर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनरे रूप हेब तिष्ट ऑप्शन डी हेब एहार उत्तर। नी लुटि मध्यम पुरुष बहुवचने। नी धातुर लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनरे रूप हेब निश्यथ ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। सेफ लुटि प्रथम पुरुष बहुवचने। सेफ धातुर लुट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनरे रूप हेब सेबि स्यन्ते ऑप्शन सी हेब एहार उत्तर। सेहिपरि दा लंगी मध्यम पुरुष एक वचने। दा धातुर लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूप हेब अददाहा ऑप्शन सी हेब एहार उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। प्रच लुटि मध्यम पुरुष बहुवचने। प्रच धातुर लुट लकार मध्यम पुरुष बहुवचने हेब प्रख्यत ऑप्शन डी हेब एहार उत्तर। सेहिपरि अहं प्रश्नं डैश पुरुष धातुर लुट लकार लागिबो। एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी पृच्छामि अहं प्रश्नं पृच्छामि। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। चेष्टमानम एहार संधि विच्छेद कले हेब चेष्ट प्लस सानच। सानच रे आसिब मानम। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। कति ह्रस्व स्वरः केतोटी ह्रस्व स्वर। एहार उत्तर हेब ऑप्शन सी पंच। पांचोटी हेउछि ह्रस्व स्वर। परवर्ती प्रश्न देखन्तु। शिक्षकः शब्द तृतीयक वचने डैश। शिक्षक शब्दर तृतीय एक वचनरे रूप हेब शिक्षकेन ऑप्शन ए। परवर्ती प्रश्न देखन्तु।
महाकवि भाषस्य किंग नाटकम रामायण कथावस्तु आधारित महाकवि भाषंकर केउ नाटकटि रामायण कथावस्तु को आधार करी लेखा जायछि एहार उत्तर हेब स्वप्न भाष बदतम। परवर्ती प्रश्न देखंतु। परवर्ती प्रश्न हेउछि अस्ति तरस्यां दिशि देवतात्मा इति कस्य महाकाव्यस्य प्रथम श्लोकस्य प्रथम पदम। एहार उत्तर हेब ऑप्शन ए कुमार संभवम। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति कुमार संभवस्य महाकाव्यस्य प्रथम श्लोकस्य प्रथम पदम। परवर्ती प्रश्न देखंतु। एतेषु किं भवभूतिना न विरचितम्। एही मानक मध्यरु भवभूति केउटिकु लेखिनाहंति। एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी विक्रम उर्वशीयम। एहाकु छाड़ीदेले मालविका मालती माधव उत्तर रामचरित महावीर चरित यही तीनोटी होची भववृत्तिंकर कृति। परवर्ती प्रश्न देखंतु। महाकवि दंडी रचितेषु काव्य अष्टक सर्वश्रेष्ठ। एहार उत्तर हेब ऑप्शन बी दशकुमार चरितम। महाकवि दंडी द्वारा रचित होता काव्य मानक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ काव्य होची दशकुमार चरित। परवर्ती प्रश्न देखंतु। पार्वती परिणयम किए लिखिथिले। पार्वती परिणयम होची एक कौन। एहार उत्तर हेब पार्वती परिणय होची एक नाटक। परवर्ती प्रश्न देखंतु। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयंताम मम्भोदाः बहवः वसन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशः इति श्लोकः कुतः अन्यतः। यही श्लोक को केउठारु अणा जायछि। एहार उत्तर हेब नीति शतकात। यही श्लोकटि नीति शतकरु अणा जायछि। सही परी आगक देखंतु। परवर्ती प्रश्न। परवर्ती प्रश्न हेउछि जयदेवः कुत्र जातः। जयदेव केउठारे जन्मग्रहण करिथिले। एहार उत्तर हेब ऑप्शन ए केन्दु बिल्व ग्रामे। परवर्ती प्रश्न देखंतु। नवसारी शिलालेखम केन विरचितम। नवसारी शिलालेख किए लिखिथिले। एहार उत्तर हेब ऑप्शन सी त्रिविक्रम भट्टेन। त्रिविक्रम भट्टंक द्वारा नवसाली शिलालेख रचना करा जायथिला। परवर्ती प्रश्न देखंतु। नैषधीय चरिते का मुख्य नायिका। नैषधीय चरित्र मुख्य नायिका होती दमयंती। यार उत्तर है ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न देखंतु। महाकवि भाष्य नाटकेशु किंग सर्वश्रेष्ठम इति कथ्यते। महाकवि भाषंकर नाटक मानक मध्यरु केउंटी सर्वश्रेष्ठ नाटक। एहार उत्तर हेब ऑप्शन सी स्वप्न भाष बदतम। स्वप्न भाष बदत होची महाकवि भाषंकर नाटक मानक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ नाटक। एही परि भाबरे आज आम दुईटी प्रैक्टिस सेट माध्यम रे 120 क्वेश्चन डिस्कशन कले। जदि आपण मानको क्लास टी भल लागितिबो गोटिए गोटिए लाइक करिनेबे एवं सांगसाथी मानक सह शेयर करिनेबे। आपण मानकर एग्जाम पूर्वरु मु एही परि भाबरे आपण मानक पई टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन नै आसीबी। जदि आपण माने सेही सबकु देखिबाकु चाहुचंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु। जय जगन्नाथ।